ओके, सो नाउ अब हम करने वाले हैं एक्सरसाइजेस। सो फर्स्ट वन इज फिल इन द ब्लैंक्स। होम्स ऑफ बर्ड्स आर कॉल्ड, बर्ड्स के होम को क्या कहते हैं? नेस्ट। तो फर्स्ट का आंसर हुआ नेस्ट। सेकेंड, आउल्स बिल्ड्स देयर नेस्ट इन द डैश ऑफ द ट्रीज। आउल्स अपना घर कहाँ बनाते हैं? ट्रीज के होलोस में अपना घर बनाते हैं। जो पेड़ का तना होता है उसमें जो होलोस होते हैं, जो उसमें होल्स होते हैं, उसमें अपना आउल्स घर बनाते हैं। सेकंड का है होलोस। थर्ड इज अ स्ट्रॉन्ग एंड हैवी बीक इज फाउंड इन डैश। स्ट्रॉन्ग और हैवी बीक किसकी होती है? हॉक्स की होती है। हॉक्स भी जो बर्ड है वो ईगल जैसी ही होती है, बट ईगल हॉक्स से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, हॉक्स थोड़ी कम स्ट्रॉन्ग होती है, पर हॉक्स बर्ड सिमिलर होती है ईगल के। तो थर्ड का आंसर हुआ हॉक। टोज हेल्प पर्चिंग बर्ड्स टू डैश द ब्रांच ऑफ ट्रीज। जो टोज होते हैं, जो बर्ड्स होती हैं, पर्चिंग बर्ड्स कौन सी होती हैं? पिजन्स, पैरो, जो ग्रेन्स खाती हैं, एंड जो तने जो पेड़ की ब्रांचेस होती हैं उन पर जाकर फॉर्मली बैठ जाती हैं उनको होल्ड कर कर, वो कौन सी बर्ड होती हैं? पर्चिंग बर्ड्स। तो क्या करती हैं? ब्रांचेस को पेड़ की होल्ड करती हैं। फोर्थ का आंसर हुआ होल्ड। फिफ्थ इज एन ईगल्स नेस्ट इज कॉल्ड डैश। ईगल्स का नेस्ट को क्या बोलते हैं? आयरी। ईगल का जो नेस्ट होता है उसको क्या बोलेंगे हम? आयरी बोला जाता है। डैश हैज़ अ मल्टीपर्पज़ बीक। किसकी मल्टीपर्पज़ बीक होती है? सारे काम कर लेती है, मींस फ्लैश भी ईट कर लेता है वो बर्ड, एंड ग्रेन्स भी ईट कर लेते हैं, तो वो होती है क्रो की। तो आंसर क्या हुआ सिक्स का? क्रो। नाउ नेक्स्ट आर ट्रू एंड फॉल्स। अ स्पैरो इज अ लेजी बर्ड। क्या स्पैरो लेजी बर्ड है? नो। फर्स्ट का आंसर हुआ फॉल्स। लेजी बर्ड कौन होता है? कुकू होता है, कोयल को लेजी बर्ड बोलते हैं। एंड आउल्स यूज टू और थ्री लीव्स टुगेदर टू मेक इट्स नेस्ट। क्या आउल दो या तीन पत्तियों को साथ में सिलता है नेस्ट बनाने के लिए? नो, फॉल्स। कौन बनाता है नेस्ट स्टिच कर कर? टेलर बर्ड। थर्ड इज बर्ड यूज देयर बीक्स टू पिक एंड ईट फूड। बर्ड्स अपनी बीक चोंच का यूज़ करती हैं खाने को पिक करने के लिए। तो आंसर हुआ ट्रू। थर्ड का आंसर है ट्रू। फोर्थ इज डक्स डू नॉट हैव वेब्ड फीट। डक्स के वेब्ड फीट नहीं होते? फॉल्स, डक्स के वेब्ड फीट होते हैं, वेब जैसे जाली जैसे पैर होते हैं। पैट्रिजेस मेक देयर नेस्ट इन द ग्राउंड। क्या जो पैट्रिज बर्ड है वो अपना ग्राउंड पे नेस्ट बनाती है? हाँ ट्रू बनाती है। वुड पैकर्स हैज़ हुक्ड बीक। क्या वुड पैकर की चोंच हुक्ड जैसी होती है? ट्रू आएगा, बिल्कुल वुड पैकर की जो बीक है वो हुक जैसी ही होती है, एंड किसकी होती है? पैरेट की भी हुक शेप्ड बीक होती है। तो आंसर इज ट्रू। नाउ टर्न द पेज एंड ओपन पेज नंबर 51 ऑफ योर बुक। ओके, सो नाउ फोर्थ, नेम टू बर्ड्स ऑफ ईच टाइप। हमें ईच टाइप की दो बर्ड्स बतानी हैं। क्लाइंबिंग बर्ड्स कौन सी होती हैं? जो एक टहनी से दूसरी टहनी को इजीली क्लाइंब करती हैं, मीन चढ़ भी जाती हैं एंड होल्ड कर लेती हैं ब्रांचेस को, एंड क्लाइंब मतलब कूदती भी रहती हैं एक डाली से दूसरी डाली, वो होती है पैरेट एंड वुडपैकर। सेकेंड इज वेडिंग बर्ड्स। जो पानी में भी चल पाते हैं वो कौन से बर्ड्स होते हैं? वेडिंग बर्ड्स। तो क्रेन एंड हेरोंस आर वेडिंग बर्ड्स।
थर्ड इज़ परचिंग बर्ड्स। परचिंग बर्ड्स कौन सी होती हैं? जो ग्रेन्स खाती हैं और अपने पंजों से, अपने क्लॉज से ब्रांचेस को फर्मली होल्ड कर लेती हैं और ऊंची जगह बैठती हैं। स्पैरोस एंड क्रोस आर द परचिंग बर्ड्स। ओके, सो नाउ फिफ्थ वन इज कलेक्ट द पिक्चर्स ऑफ द नेस्ट एंड क्लॉज ऑफ डिफरेंट बर्ड्स, पेस्ट देम इन योर नोटबुक एंड नेम देम। सो यू डोंट हैव टू पेस्ट देम, आपको सिर्फ, आपको कलेक्ट भी नहीं करना है, आपको सिर्फ डिफरेंट बर्ड्स के नेस्ट और क्लॉज को देखना है एंड ऑब्जर्व करना है। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन में आपको कुछ भी पेस्ट नहीं करना है। सो जब भी आप अपने गार्डन में या फिर अपने रूफ़ पर जाओ, छत पर जाओ, या जब भी आप कहीं पर बर्ड्स देखते हो तो उनको अच्छे से ऑब्जर्व किया करो कि उनके क्लॉज और उनकी बीक कैसी होती हैं और वो फूड को किस तरह ईट करते हैं। सो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। कल हम चैप्टर 6 एंड चैप्टर 7 के क्वेश्चन आंसर्स को कंप्लीट करेंगे। होप आपको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।